तो रोहित शर्मा ने आज साबित कर दिया कि वो अच्छे कप्तान भी हैं और मुश्किल वक्त में अपनी टीम को भंवर से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा किया। उनके जो चौके और छक्के थे ना, वो उनके गेंदे नीचे ग्राउंड के बजाय आसमानों में लोग देख रहे थे। भाई कहां पे कौन सी बॉल गई है यार, दुनिया नहीं भूलेगी, दुनिया क्या भूलेगी। दुनिया को पहले ही पता था कि बहुत कुछ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, लेकिन ऐसा कुछ होगा। हमें इंडिया ने अपनी बॉलिंग कितनी ग्रो किया, दुनिया की आंखें खुल के बाहर आ गई है। इस वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप रही है बैटिंग हर किसी की, पर आज जिस तरह की मुर्दा विकेट के ऊपर रोहित शर्मा ने 92 मारा ना, उसने वाकई साबित किया कि मैं फटा। पता नहीं रोहित शर्मा के हाथ में बल्ला था या क्या था, पता चल रही। इंडिया ने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, उसने पूरी क्रिकेट का बदला लिया। सर इंडिया ने ऑलमोस्ट 60-70% ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया है। बिल्कुल डेफिनेटली, और यकीन करें कि बहुत खुशी हुई है आज इनका जो मैच हुआ। पड़ोसी बड़े ताकतवर है, वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है, बाप बाप ही रहता है और बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता। उन्होंने आज इस मैच में वो साबित करके, सर आज बदले का मैच हुआ है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, फाइनल से भी बड़ा मैच था। आज इंडिया ने अपना फाइनल वाला ओडीआई का बदला ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से ट्रॉफी छीनी थी और फिर ट्रॉफी की डिसरिस्पेक्ट की थी। आज ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह मुंह काला, पहले अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड खाक में मिला दिया। यार देखें, गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा फाइनल मैच के अंदर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ने जब वो ट्रॉफी ली, उसके बाद उसको जिस तरह से ट्रॉफी को डिसरिस्पेक्ट किया, अपने पाँव के नीचे रखा और ह्यूमिलेट किया, क्योंकि इंडिया के अंदर वो वर्ल्ड कप था और जिस तरह से जाहिर है उसकी तोहिन की गई। मेरा ख्याल है आज इंडिया ने वो बदला लिया और उनके इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से आज खेला है, यकीनन ये देखें 92 स्कोर किया है और अच्छा खासा धोया है और उसमें 205 रन जो है उन्होंने जिस तरह से अपने बचाए हैं। खास तौर पर मैं कहूंगा कि अर्शदीप बिल्कुल इंडिया ने भाई आउट क्लास कर दिया इस फॉर्मेट में। कोहली चूंकि पिछले 4-5 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ही खिलाड़ी कोई मैच विनर होता है। आप इंडिया की टीम के अंदर देखें, मुख्तलिफ बहुत से खिलाड़ी ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रखते हैं। तो रोहित शर्मा ने आज साबित कर दिया कि वो अच्छे कप्तान भी हैं और मुश्किल वक्त में अपनी टीम को भंवर से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड कप आज के मैच पर टिका हुआ था, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाता तो वही चीज दोबारा रहनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने फिर घमंड में रहना था, फैंस के दिल टूटने थे। लेकिन इंडिया के बीच जो कोऑर्डिनेशन थी सर, पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जो मेहनत करता है क्रिकेट उसी की है। जी बिल्कुल, इसी तरह है कि देखें इंडिया ने एक प्रॉपर, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो तमाम प्लेयर्स अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ, प्लानिंग के साथ जिस तरह से काम करते हैं कि अगर कोई एक आध प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन उनका कोई ऐसा प्लेयर होता है जो आउट ऑफ द वे जाके इतनी जबरदस्त जो है वो बैटिंग करके अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालते हैं। जी सर, इंडिया को चैलेंज करना, क्या ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी? बिल्कुल, देखें अगर आप देखें पहले जो टॉप 3 जो मेन क्रिकेट के वो देखें, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ये जो 3 कंट्रीज हैं इनके अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है और शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज्यादा हैं और भारत इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, वहाँ पे उसके करोड़ों फैंस हैं। और अब ये देखें इस मामले पर जो लास्ट टाइम आमतौर पर कंट्रोवर्सी जो देखी जाती है, आमतौर पर ज्यादा क्रिकेट की लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की होती है, लेकिन जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने किया था इंडिया के साथ, उसके बाद से इंडियंस के अंदर एक गुस्सा था, एक अग्रेशन था और वो अग्रेशन मेरा ख्याल है रोहित शर्मा ने अब उसको देख लिया था और वो सही टाइम पे उन्होंने क्लिक आउट किया है। एंड वेल डन रोहित शर्मा, मैं कहता हूँ कि अच्छा मार्च को आज जिस तरह धोया है ना रोहित शर्मा ने, एक साल तक बुखार, मैं कहता हूँ मजा आ गया और इसमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडियन हम पाकिस्तानी टीम के फैन तो हैं ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेल नहीं पाई, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इंडियंस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनके लिए भाई वेल डन। इंडिया बोल रहे हैं, रुक जा यार, मुझसे आज कोई सवाल करो, आज जो मेरे दिल में ना वो मुझे बोलने दो। सबसे मैं ये पहले बोलूंगी, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ने जीतना ही जीतना, लेकिन फिर भी था कि भाई मैच तो होने, तो फिर हमें आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया जीता। इंडिया ने मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे चुपेड़े और अफगानिस्तान ने मारे थे ठुड्डे, और अब वो जो अपनी कंट्री में मुंह काला करवा के जाएंगे वो उनको मारेंगे गंदे। ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल, पहले अफगानिस्तान ने और अब इंडिया ने, तो उन्होंने बदले किया, उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, धमकी दी थी, उन्होंने बोला था कि भाई तुम लोगों को तो हम हराएंगे, उन्होंने कहा भाई तू तो सड़े बच्चे लग दे हो। उन्होंने इतना रोहित शर्मा की बात करो ना थोड़ी, होए होए रोहित शर्मा ने क्या आज परफॉर्मेंस किया यार, मैं तो दिल्ली हार बैठी 7-8 पर। उनके जो
चौके और छक्के थे ना वो उनके गेंदे नीचे ग्राउंड के बजाय आसमानों में लोग देख रहे थे भाई कहां पे कौन सी बॉल गई है यार। दुनिया नहीं भूलेगी, दुनिया क्या भूलेगी, दुनिया को पहले ही पता था कि बहुत कुछ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, लेकिन ऐसा कुछ होगा हमें आइडिया नहीं था। मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। इंडियंस को चैलेंज करना आसान काम है कोई? ऐसा वैसा अब वो गया ना, अब वो चुप करके चला गया और जो धमकियां दे रहा था उसने सर भी बेचारे ने नहीं उठाया और ऑस्ट्रेलिया अब घर चला गया मुंह काला करवा के। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और उसने आज साबित भी कर दिया, प्रेशर लेने वाली टीम है ऐसी, और ट्रॉफी वही लेके जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम थी जो इंडिया के मुकाबले में हमें नजर आ रही थी, बाकी तो अब इंडिया के लिए चुटकियां बजाते बजाते वो सारे आउट हो जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है यार, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और वो देखो मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई। आज 6 मैच इंडिया ने जीत लिए, 6 की स्ट्रीक मेंटेन है जनाब पड़ोसियों की। भाई पड़ोसी बड़े ताकतवर है, वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है, बाप बाप ही रहता है और बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता। उन्होंने आज इस मैच में वो साबित करके दिखा दिया। और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि यार बाप की इज्जत करनी चाहिए, बाप से कुछ सीखना चाहिए अगर वो कुछ सिखा रहा है। और उन्होंने ये पाकिस्तान को भी बताया है और ऑस्ट्रेलिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है वो किसी की धमकियों से नहीं डरता, वो अगले को मुंह तोड़ जवाब देता है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धमकी की इसी तरह से जवाब दिया। आज 140 करोड़ इंडियन के दिल जीत लिए, हमारे भी दिल जीते, प्यार करते हैं अपने अपने मुल्क से यार। उन्होंने अपनी ऑडियंस के भी दिल जीते, अगर वो इस बार हार जाते तो बहुत बुरा होना था, जिस तरह से हमारे क्रिकेटर से दिल ही उठ जाना था। इवन की हम खुद इतना परेशान होकर बैठे हुए थे यार क्या होने वाला, क्या, क्योंकि शुरू में बहुत बस गया था। और लास्ट पे आके मुझे पहले ही पता था कि जब लास्ट आता है ना तो फिर इंडिया अपना वो कमाल दिखाता है जो चौके छक्के बचते हैं। और रोहित की बात कर ले, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। इंडिया का हर प्लेयर ही मैं कहूंगी वो अपने आप में किंग है, और जब भी किसी टीम के साथ उनका मुकाबला होता है वो हर इंसान तब अपने आप को मनवाता है। और हर टीम में हम किसी नए और हर टीम में हम किसी नए प्लेयर की बात कर रहे होते हैं कि यार इसने सेंचुरी बना दी, इसने क्या चौका मारा, इसने क्या छक्का मारा, इसने क्या बॉलिंग की। पहले इंडिया की बैटिंग की बात होती थी, अब इंडिया की बॉलिंग भी आ गया। जबरदस्त, वेल डन, कांग्रेचुलेशन इंडिया, ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा भजन, कमाल किया उस बंदे ने जिस तरीके से 8 छक्के 7 चौके मारे हैं। और वन मैन आर्मी, ऐसे ही उसको हिटमैन नहीं कहते, अच्छा कैप्टन होना, अच्छा खिलाड़ी होना भी ज़रूरी है। रोहित शर्मा ने यह बात साबित किया है कि अगर मैं अच्छा कैप्टन हूँ तो मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, मैं खुद परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मैं विराट कोहली के सर के ऊपर नहीं बैठा, बेशक विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका अकेले बंदे ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी दी है, अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। इंडियन बैटिंग को उसने एक बताया कि भाई जान इंडियन बैटिंग पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चली, ऑस्ट्रेलिया को भी वो काद याद कराया, जाहिर बात है उसने वो बदला लिया जो 2003 वाले वर्ल्ड कप का था, 2023 वाले वर्ल्ड कप का था। आज गिरे बांध से पकड़ा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से समझदार बना था कि हम हार जाएंगे अफगानिस्तान से तो इंडिया रिलैक्स हो जाएगा, पर इंडिया ने जिस तरीके से 105 का टारगेट दिया, जब रोहित शर्मा ने बैट पकड़ा हुआ था मुझे वो उसके हाथ में बैट नहीं लग रही थी, मुझे वो तलवार लग रही थी जिससे उड़े थे। 206 ऑस्ट्रेलिया चेज ही नहीं कर पाया भाई, इंडिया ने बड़ा स्कोर मारा है सच में, नहीं कर सकता था कभी भी क्योंकि प्रेशर ही इतना आ गया हुआ था उसके ऊपर। पर आप बॉलिंग की तरफ देखिए, हर्षदीप सिंह ने 37 रन खा लिए, पर उस बंदे ने 3 विकेट निकाल के बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, और वही 3 इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो इंडिया की जीत का सबब बनी है। एक बंदा रोहित शर्मा बैटिंग की तरफ से, दूसरा बंदा हर्षदीप सिंह बॉलिंग की तरफ से। आप यह देखें, रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं की, इसको कहते हैं टीम वर्क, टीम के साथ खेलना। 92 स्कोर के ऊपर वो आउट हो गया, उसने अपने ओवर 8 रन नहीं बनाया, उसने कहा भाई जान स्कोर ज्यादा होना चाहिए, मेरे अकेले की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो। बदले का मैच था आज, जिस तरह इंडिया ने बदला लिया है ऑस्ट्रेलिया को, कहते हैं ना घूंट घूंट पानी दे दे के मारा है, मजा आ गया मैच देखे। आज उन लोगों के मुंह पे चपेट है जो कहते थे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है और जो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया के जख्मों पे नमक छिड़केगी, लेकिन आज इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिया मजा आ गया है। और पाकिस्तान के बाद हम देख इंडिया को रहे थे और हम चाह रहे हैं कि एशिया में ट्रॉफी आए, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि इंडिया इसी मैच के साथ सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर गया है और अब आगे ऑस्ट्रेलिया अब घर जा रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर सुबह अफगानिस्तान मैच जीता बांग्लादेश है तो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो जाएगी। इंडिया ने सॉफ्टवेयर अपडेट तो पहले ही कर दिया है, 40% तो पहले ही बाहर निकल गया, सुबह अगर अफगानिस्तान जीता है तो छुट्टी। कितना मजा है कि इंडिया की ए टीम और बी टीम यानी अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, तो फिर तो दोनों ही समझो कि अपने ही हैं, अपने ही अफगानी अपने भाई हमारे साथ रहते हैं।
मजा आएगा। लेकिन हमसा कह रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ये हारे नहीं। देखें जाहिरी बात है सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने सारी टीमों का किया, लगातार स्ट्रीक बरकरार रखी, छह की स्ट्रीक हो गई है भाई जान। इसको कहते हैं टीम पैट कमिंस का और इन लोगों की जो स्टेटमेंट थी वो फ्लॉप होगी। मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह दिया था कि इंडिया आउट ऑफ फॉर्म की स्ट्रीक बनाएगा, मुझे इस दफा लग रहा है जितनी खतरनाक उनकी। आउट ऑफ सिक्स होगी सेमीफाइनल और फाइनल मिला के 8 out of 8 हो जाएगी। और मैंने कहा था और मुझे लग रहा है कि इंडिया ये पूरा कर देगा। की मैनेजमेंट को शाउट आउट जाता है, सारा कैप्टनसी को शाउट आउट जाता है, पूरी दुनिया क्रिकेट को सीखना चाहिए। आज फाइनल से बड़ा मैच था वो भी। देखे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जो मैच होता है ना वही सेम हाइप इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की देखी गई है। आज अगर आप व्यूअरशिप देखें तो आम पाकिस्तान के पाकिस्तान इंडिया के मैच से ज्यादा हाइप थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता था कि पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अच्छा मैच होगा, तगड़े की टीम में थी, इसलिए लोग मैच देख रहे थे और बड़ा मजेदार मैच हुआ। सोशल मीडिया को इंडिया ने हिला के रख दिया, उनके सोशल मीडिया पावर के बारे में वो भी क्या। देखिए जाहिर बात है इतने ज्यादा करोड़ों की व्यूअरशिप है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की आप व्यूअरशिप देखें तो हर एप्लीकेशन के ऊपर, थकी से थकी एप्लीकेशन के ऊपर भी लाख से प्लस व्यूअरशिप जा रही थी। मैं कहता हूँ कि इसको कहते हैं अच्छा मैच, अच्छे खिलाड़ी। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने कमिटमेंट बहुत बड़ी की थी, स्टेटमेंट बहुत बड़ी दी थी, पर इधर से पता लगता है कि जो अच्छी मेहनत करता है, ज्यादा ट्रेनिंग करता है अपनी, यार इंडिया ने अपनी बॉलिंग कितनी ग्रो किया, दुनिया की आंखें खुल के बाहर आ गई है। इस वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप रही है बैटिंग हर किसी की, पर आज जिस तरह की मुर्दा विकेट के ऊपर रोहित शर्मा ने 92 मारा ना, उसने वाकई साबित किया कि मैं फटा। रोहित शर्मा के हाथ में बल्ला था या क्या था, चल रही थी। चलो मिलके बोलो कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। वाकई कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बारे में भी तो बोल लेना। अर्शदीप भाई देखें, अर्शदीप वो प्लेयर है जिसको लास्ट ईयर आप देखें, एक मैच था गालबन पाकिस्तान के खिलाफ जहां पे उसने एक कैच छोड़ा था, उसके बाद अच्छा खासा ट्रोल हुआ और रोहित शर्मा का एग्रेशन उस वक्त देखने वाला था। लेकिन ये देखें कि कोई भी प्लेयर जो है वो छोटा नहीं होता, किसी मुश्किल सिचुएशन में बाजुकात वो नहीं खेल पाता, लेकिन जबकि वो किसी दूसरी सिचुएशन में प्लेयर होते हैं चल जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, अपने आप का एक बहुत बड़ा मैच था, क्या कहेंगे आप? अच्छा मैं ये कहूंगा कि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि इंडिया के हारने पे हम लोग खुशी मनाते हैं, तो ये इस मौके पे ऐसा हुआ है कि इंडिया के जीतने पे हम काफी ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल सर, डिजर्विंग टीम है। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा खुश क्यों है ज्यादा, चलो हमारा मतलब खुशी की वजह ये है ना कि देखें ये एक जो ऑस्ट्रेलिया ने किया वो बहुत ही अजीब सी हरकत थी। हाँ ठीक है ना, तो उस वजह से हमारी फेवर कुछ इंडिया की तरफ जाती है, क्योंकि उनको ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था ट्रॉफी को। मतलब पाकिस्तानी जो है जस्टिस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, और हमेशा हम खड़े रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपको क्या लग रहा था, एक वक्त ऐसा भी आया कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया लगता है ये मैच जीत जाएगा, उस टाइम तब भी क्या कॉन्फिडेंस था इंडियन टीम पे कि ये मैच वापस लाएगी ऑस्ट्रेलिया से? नहीं देखें, वो जिस स्पिरिट से खेलते हैं तो ऐसे मतलब किसी भी सिचुएशन में इंसान कम बैक कर सकता है। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया को भी आप जो है ना वो कम नहीं समझ सकते। इंडिया इसको कह रहा है कि ये जो है T20 का मैच नहीं था, ये बदले का मैच था और हमने अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। आप इस स्टेटमेंट को कितने एग्री करते हैं और इसकी जो आज ट्रेंड चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखें इंडिया ने ना सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं किया था, वो जो ट्रॉफी थी वो एक मतलब पूरी दुनिया में खेले जाने वाली टीम है, सबकी मेहनत थी। हाँ सबकी हाँ क्रिकेट की तोहीन थी ना। तो उन्होंने, इंडिया ने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, उसने पूरी क्रिकेट का बदला लिया। सर इंडिया ने ऑलमोस्ट 60-70% ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया है। बिल्कुल डेफिनेटली, और यकीन करें कि बहुत खुशी हुई है आज इनका जो मैच हुआ उससे। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि मैं ना 9 मई की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। चले